तो संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम कच्चे केले के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो ये 3 केले को हमने धो करके रख लिया है। आपको जितना कम ज्यादा बनाना है हलवा, उसके हिसाब से केले को कम ज्यादा कर सकते हैं। शुगर, नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर, घी, दूध, काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तीनों केलों को अलग कर दिया है और अब हम इसका इधर का पार्ट और इधर का निकाल करके और इसको छील लेंगे। केलों को हमने छील लिया है और इनको धो लेंगे अच्छे से। ये केले भूल चुके हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये गैस पे हमने ये पानी चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर देंगे और इसमें डाल देंगे केले और इसे ढक करके रख देंगे। थोड़ी देर से हम बॉईल हो जाने देंगे। ये गैस को हमने बंद कर दिया है और प्लेट को हटा लेंगे। ये देखिए हमारे केले पक चुके हैं। इस तरीके से इसको कुछ भी ले लीजिए चम्मच, इसे बहुत ही आसानी से तरीके से हम निकाल लेंगे। केले को हमने निकाल लिया है एक प्लेट पे, अब हम इसे मैश कर लेंगे। देखिए हमारे केले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे, अभी गर्म है। ये देखिए केले हमारे मैश हो चुके हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रख दिया है और घी डाल देंगे। 2 चम्मच घी डाल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हलवा में घी थोड़ा ज्यादा ही लगता है और घी से ही टेस्ट आता है इसका। हलवा कभी भी बनाए तो घी से ही बनाना चाहिए, देसी घी से। देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे केले जो कि हमने मैश करके रखा था। इनको हम ज्यादा महीन नहीं करे हैं, अभी भूनेंगे पकाएंगे तो हो जाएगा वो। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको, और इसी तरीके से चलाते रहना है और भून लेना है। थोड़ा अच्छा लाल हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर अब हम डाल देंगे इन पे दूध। देखिए इसको अच्छे से पकने देंगे। हलवा गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज्यादा जितना आपको मीठा पसंद है उतना ले सकते हैं। डाल देंगे ये हम नारियल पाउडर जो कि हमने इसको किस करके रखा था, घर में ही किसा था नारियल को। काजू डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे हम गार्निश के लिए। यहीं पर डाल देंगे किशमिश, बादाम और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को मंदी रखेंगे। ये देखिए हमारा हलवा खड़ा खड़ा है क्योंकि हमको ऐसे ही अच्छा लगता है। केले को हमने पूरा अच्छे से मैश नहीं किया है। अगर आपको पूरा मैश चाहिए तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर ऐसे इसको अच्छे से पूरा इस तरीके से करके पूरा मैश कर सकते हैं। हमने नहीं किया है क्योंकि हमको ऐसे खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी हलवा बन करके तैयार होता है। और डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। गैस थोड़ा सा तेज कर दिए हैं, इसे छोड़ना नहीं है, इस तरीके से चलाते रहना है। और इलायची पाउडर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसे। इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है, इसलिए इलायची पाउडर को हलवा में डलता ही है। नवरात्रि चल रही है, हम इसको नवरात्रि स्पेशल बना रहे हैं। नवरात्रि के लिए उपवास के लिए हलवा बना रहे हैं। ये हमारा हलवा बन करके पूरा तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये केले का हलवा बन करके तैयार है। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।